फ्लिपकार्ट ने मिलाया अदानी ग्रुप के साथ हाथ, 2500 लोगों को मिलेगी जल्द नौकरी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की ई मार्ट इकाई फ्लिपकार्ट ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने अडानी ग्रुप के साथ एक वाणिज्य भागीदारी की है। इस भागीदारी का उद्देश्य फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक और डेटा केंद्र क्षमताओं को मजबूत करना है। दोनों कंपनियों के बीच इस साझेदारी से सभी 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। फ्लिपकार्ट ने अपने एक बयान में कहा है कि इस भागीदारी के अंतर्गत फ्लिपकार्ट अपने सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और तेजी से बढ़ने के लिए अपने उपभोक्ताओं आधार को सेवा प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अडानी पोर्ट्स लिमिटेड एवं सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्लिपकार्ट अपने तीसरे डेटा सेंटर की स्थापना अडानी कॉन्टेक्स के चेन्नई स्थित संयंत्र में करेगी। अडानी कॉन्टेक्स एजेंट कॉन्टेक्स और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस साझेदारी के वित्तीय ब्यौरे के जानकारी नहीं दी गई है। इस भागीदारी के तहत अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड मुंबई में अपने आगामी लॉजिस्टिक हब में 5.34 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले गोदाम का निर्माण करेगी, जिसे फ्लिपकार्ट को पश्चिमी भारत में ई कॉमर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। बयान में ऐसा कहा गया है कि यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा और इसके 2022 की तीसरी तिमाही में चालू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे।